हेलो पूजा पूजा फोन दो एक हेलो हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। ये क्या पूजा पर लगा रखा है? पूजा बत्रा, पूजा बेदी, कौन सी पूजा बताओ। मैं हूँ आपकी पूजा, तुम्हें देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ। शर्माने की बात नहीं भाई, बंदा हूँ मैं, अब तुम पता चल गया ना तो रिएक्शन। नहीं, ये पहना तो चेंज हो गया मेरा माइंड से। आपके लिए थैंक यू सो मच। हाय हाय हाय। तो आप सभी पूजाओं को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। ऑल द पूजास इन द हाउस, गिव अ शाउट, से ये। बट एक मिनट, ये क्या पूजा लगा रखा है? क्या ये पूजा डे, पूजा रात्रि, पूजा कसम, पूजा पाठ, पूजा पंक्ति, मतलब कितने पूजा, और अब यहाँ सब पूजा। ये कौन है ये पूजा और ये क्या चल रहा है? अरे सही तो कह रही है यार, पूजा के दो आगे पूजा, पूजा के दो पीछे पूजा। एक बार बताओ कितनी पूजा? बहुत सारी पूजा। साड़ी वाले वेल, यहाँ तो इतनी सारी पूजा है कि गिनती नहीं आ गई। वो सब कितनी पूजा है यहाँ पर? लो वैसे हर एक क्लास में ना कम से कम 5 पूजाएं तो होती हैं, मैंने देखा है। यहाँ भी 5 ही हैं। बट क्वेश्चन ये कि पूजा है किसकी? हाँ, किसकी होगी पूजा? हमारी। चल गाइस, ओके दीदी, एक मिनट, ये क्या मतलब है? एक सेकंड, छोड़, हाथ छोड़ो। ये क्या बात है भाई? पूजा तू किसकी? देखो मैं तो जगत पूजा हूँ यार। डोंट इवन ट्राई इट आयुष। क्या बात कर रहे हो यार, रस्सी से बंद हो गए। अरे मैं तो कह रहा हूँ 100-100 ग्राम बांट लो यार। हमारा एंकर कहाँ पे भाई? जो बचेगा 250 ग्राम थैले में मुझे दे देना। नहीं 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 भाई, ये कहीं नहीं जा रहा एंकर, आप बताओ। हाँ एक मिनट, मेरी। अरे मतलब मेरी बात सुनो यार, पूजा किसकी होगी इसका झगड़ा अभी करके कोई फायदा नहीं है। आप सबको पता है कि पूजा कब होने वाली है, किसकी? 13 को। तो उस बात को लेकर झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आयुष्मान खुराना, अ ड्रीम गर्ल, नुशरत भरूचा, मंजोत, अभिषेक भाई, राज एंड निधि मैम। गिव इट अप फॉर ऑल ऑफ देम। और अब मैं उनको स्टेज पे बुलाने वाला हूँ जिसकी जिनकी धर्म पत्नी ने इतने व्रत उपवास करके एक लड़का पैदा करो, और कम से कम हर महीने कम से कम 11 कौओं को उन्होंने मालपुए खिलाए थे, बट शायद उन कौओं में से कोई कोयल निकल गई होगी, इसलिए शायद आपकी आवाज कोयल जैसी बन गई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सान कपूर, एवरीवन, कम ऑन। और अब मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूं दोस्तों, जिन्होंने अपनी ड्रीम में इस ड्रीम गर्ल को देखा और उसे सजाया और उसके ऊपर एक पूरी आरती लिख डाली। सो यस, इट्स टाइम टू वेलकम ऑन स्टेज विथ ऑल योर क्लैप्स एंड लाउडर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर द एक्सट्रीमली टैलेंटेड डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ अ मूवी ड्रीम गर्ल, मिस्टर राज शानेलिया। कम ऑन, वेलकम वेलकम वेलकम, ऑल गुड। ये ऑन कब होगा? अच्छा, हो गया। अच्छा, सो यस, आई होप आप सबने अभी हमारी पूरी कास्ट से मिला। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ क्यूए विद ऑल ऑफ यू सर। सो राज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि आपने जो ड्रीम देखा, लिखा और उसने सजाया, फाइनली हम लोग 13 तारीख को वो देख पाएंगे। ऑफ कोर्स सर, मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मैं आपको बस एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा देखा है कि आप लड़कों को लड़कियां बना देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं, मैंने देखा है सर। ये क्या आपकी पर्सनल लाइफ है? आप बनना चाहते थे, आप बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए हो गया ऐसा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए, यू नो, तो जितना को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बाकी को आप देख लो। क्या बात है सर, क्योंकि लड़कियों के बिना दुनिया है नहीं, मैं उन्हीं को बस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, बस और क्या। तो सर आपकी जिंदगी में कोई लड़की, तुम्हें कभी बनना हो तो बताना, मेरा वो चल रहा है, दिवाली डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त। ठीक है सर, ड्रीम गर्ल 2 के लिए मैं रेडी हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज, सो सर, अब कभी ऐसा अपने ड्रीम गर्ल के सेट पे कभी ऐसा हुआ है कि आप आयुष्मान से बात करने गए हो कहीं पे भी, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी लगी हो कि आप बात 5 मिनट के लिए गए हो, वो 15 मिनट हो गया हो क्योंकि आवाज़ इतनी मीठी लग रही थी आपको? नहीं, ऐसा तो मतलब शुरू से ही था, क्योंकि आवाज़ उनकी इतनी अच्छी है, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा आपने,
जब आयुष्मान अपनी आवाज़ में कहते हैं हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, तो सेट पे सब लोग अपना काम छोड़कर उनकी तरफ देखने लगते थे। तो इतना अच्छी आवाज़ है, एक बार अगर मैं चाहता हूँ एक बार अपने मुँह से दोबारा आप कहते हैं एक बार हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। अरे वंस मोर मतलब ऐसे Once more. मैं आप तो मत करो यार, तो आप पूरा 50 दिन आप मेरी आवाज सुन चुके हो। हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, तेरा को मैं तेरी 13 सितंबर को आई मैन टू से बट माई फेवरेट यू नो हर महीने 13 को मम्मी को फोन करने है, 13 को हमने बोला तेरी हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है, 13 सितंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है अगले हफ्ते। लवली, सो मूविंग ऑन टू अनु सर। सर ओके लवली जी जी जी, आई थिंक सर पहले तो हम सब एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। अनु सर और आयुष्मान की जोड़ी वापस कमबैक कर रही है आफ्टर 7 ईयर्स गाइस, कम ऑन। थैंक यू सो मच। इत्तेफाक से हम दोनों चले सर, ऑफ कोर्स। कितनी देर का शॉट है वो बता दे। इत्तेफाक से 20th अप्रैल 2012 को ये आइकॉनिक फिल्म्स, इसलिए नहीं कि उसमें हम लोगों को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ना ना ना, उससे कोई अवार्ड वार्ड तो वो नहीं आया तो इसको दे दो, इस वो नहीं आया तो उसको दे दो, वो चक्कर है, वो मुझे मालूम बहुत अच्छी तरह से। लेकिन जब तक कि वो आइकॉनिक फिल्म विकी डोनर, जिसका सब्जेक्ट ओरिजिनल था, मैंने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी को बहुत मानता हूँ, और जिसमें जिसकी वजह से इंडस्ट्री को एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा स्टार मिला जिसके बारे में चर्चा ये हो रही थी, मैं किन्हीं के साथ शूट कर रहा था, वो इनसे बहुत बड़े स्टार हैं, तो उन्होंने कहा यार वो तो अब मतलब कंधे से कंधा मिला रहा है, तो मैंने कहा आर्ट के मामले, नहीं नहीं आर्ट छोड़ो ना, पैसे के मामले में। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि एक सुपरस्टार के स्टेटस को भी एक चैलेंजिंग आदमी सामने आ गया, तो मुबारक हो। ये कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ आपको एक्सलेंस भी जो है, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सक्सेस भी मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और 20 अप्रैल को हम दोनों साथ काम कर रहे थे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना आज भी वो ही आदर देते हैं, वो ही इतना प्यार देते हैं, मान देते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ आयुष्मान खुराना जी आपका कि आप मुझे इतना मान देते हैं। 20th अप्रैल को इन्होंने वो तस्वीर आई थिंक आपने क्या कहते हैं ट्वीट किया, क्या करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे डायरेक्टर साहब राज शांडिले साहब, ये जो मेरी हालत देख रहे हैं, मुझे बुढ़ापे से कभी भी कोई डर नहीं लगा। बहुत आभारी हूँ, आई रियली वेरी थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये रुके, मेरे साथ एडजस्ट किया, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं वो आर्टिफिशियल बियर्ड नहीं कर सकता। रुके, इन्होंने कहा आप बियर्ड बढ़ाइए, मैंने कहा बढ़ा लेता हूँ, मुझे लगा कि ये काम और कोई नहीं करवा सकता था। अच्छा, इस दाढ़ी को रखने के बाद कुछ सिलसिला ऐसा बना, आप जिम्मेदार हो उस दाढ़ी के, कि बुरा मत मानना, मतलब आई एम नॉट ए पर्सन हु विल बास्क इन द ग्लोरी ऑफ पास्ट और ऑल द जवानी बुलशिट एंड बुरानी, ऑल दैट मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक बड़ा ताज्जुब हुआ कि दाढ़ी के सफ़ेद बालों के अंदर मुझे बहुत सारी खवातीन ने, खवातीन समझते हो आप? हाँ सर। अजी भैया आओ। तो बहुत सारी लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारी जिंदगी में, जवानी में कभी ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला था यार जो सफेद दाढ़ी के अंदर मिला। आपको क्रेडिट जाता है, मैंने 3 फिल्में कंप्लीट कर दी इस दाढ़ी के अंदर। क्या बात। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से उनको वाइंड अप करके वापस उसमें रूम में आ जाऊँ। ये मेरे तो मैं बहुत आभारी हूँ राज जी, जोरदार तालियां मेरे डायरेक्टर के लिए, बहुत बहुत आभारी, रियली आप बहुत सब जेन्युइनली आपने इतना प्यार दिया यार, इस एज में और क्या चाहिए आपको? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो यही काफ़ी है, अदरवाइज द एग्जिस्टेंस हैज बीन वेरी काइंड टू मी। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, उसके बावजूद आप जैसे लोग थोड़ा प्यार दे देते, व्हाट एल्स यू नीड। आप बहुत सेक्सी है सर। सर यू टू कूल फॉर स्कूल, यू आर वेरी सेक्सी, आई शुड टेल। थैंक यू। ये मंजोत भाई के साथ बैठना होता था, इतना मुझे इनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, मन इनका इनके साथ मेरा लग गया। मंजोत भाई सलामत रहें, दिल्ली के हैं। नहीं नहीं, मैं इसलिए रियली मैं बोल रहा हूँ यार, अभी तुझे मालूम मुझे जोक करने के पैसे मिलते हैं। रियली बिल्कुल
बिल्कुल इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें 1% भी मैं झूठ बोलूंगा. मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं. मैं तो पंजाबी बंदा है, जाट है, माँ बहन करने में भी 1 मिनट नहीं लेता हूँ, आपको मालूम बहुत अच्छी तरह से. ये लड़की से जब मैं मिला आई थिंक फर्स्ट टाइम इन आगरा, नुसरत से, और मैंने, इन्होंने 2 लाइनें बोली और मैंने इनके पास जाके कहा, कहाँ की हो आप? तो इन्होंने कहा मैं मुंबई की हूँ. मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मुंबई में कॉन्वेंट एजुकेटेड आज के ज़माने की पढ़ी हुई लड़की भारत की मातृभाषा इतनी अच्छी तरह से बोल पाती है. क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. यू विल ब्रिंग ग्लोरी टू दिस कंट्री. यस यस. दूसरे हमारे जो इंडस्ट्री की और बहुत सारी माताएं बहनें हीरोइन हैं, उन सबको मालूम होना चाहिए कि आप हिंदी भाषा में काम करती हैं, आप कितनी ही अंग्रेजी बोल लें लेकिन खाना आपने हिंदी की है. आप समझ रहे ना, जेनिफर लॉरेंस की बराबरी नहीं कर सकते हो तुम, ऑड्री हेपबर्न नहीं बन सकते हो, ड्रू बैरीमोर नहीं बन सकते हो, एनी हैथवे नहीं बन सकते हो, तुमको नुसरत हरूचा बनना है. थैंक यू वेरी मच. शाबाश. आयुष्मान, एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद आयुष्मान का बर्थडे है, 14 सितंबर को. मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड लोड्स ऑफ सक्सेस एंजॉय बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू. आप अब आप फादर भी हैं, और जब ये हीरो बन के आए थे वो उन केसेस में से जो ऑलरेडी शादीशुदा थे. सो मेरी पूरी दुआएं आपके साथ हैं. आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. बैनर्जी साहब के साथ इंटरेक्शन का ज़्यादा अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जितना था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच निधि जी. थैंक यू सो मच. वर्किंग विद यू, एन ऑनर टू वर्क विद यू. भंसाली साहब थैंक यू सो मच. हमारी ये फिल्म है, लेकिन हमारे कपूरों की एक लड़की ने जो भी जिस चीज़ के ऊपर दाव लगाती है, बड़ी बड़ी भारी जुआरी है, वो आई नहीं है. उसके साथ दूसरा है. हाँ, और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जब मैंने पहली बार उससे पिछले साल ही मिला था, एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने एक सीरियल, वेब सीरीज कह दें, वो बनाई होम हमारे साथ, और भी दूसरे, सुप्रिया जी भी थी. तो पहली बार उसके साथ काम करने का मौका मिला, ये दूसरा है. एंड शी हैज़ ब्रिंग ग्लोरी टू द कपूर क्लैन, जिसका नाम है एकता कपूर. उस लड़की ने और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? When I say कपूर गर्ल, it means एकता कपूर. मेरी प्रोड्यूसर है, और जो भी प्रोड्यूसर होता है ना, वो हम पुराने स्कूल के जो है, 37 ईयर हो गए, वो प्रोड्यूसर को अन्नदाता मानते हैं. जो अन्नदाता सही टाइम पे चेक पहुंचा दे उसकी जय. सीधे सिंपल सी बात है. सो गॉड ब्लेस यू. हमारी भाभी शोभा जी आज नहीं आ पाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं जीतू साहब. सो मेरी पूरी शुभकामनाएं, और मैं अभी आपको बोल देता हूँ, फकीर की जबान है, ये पिक्चर तो चलनी है. मेरे हिसाब से 187 करोड़ का जो टारगेट है, इन बिटवीन 178 और 187 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म करेगी. लिख लो अभी. ओके ओके. इज दैट व्हाट्स रॉन्ग? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इट्स फाइन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे 187 पूजा करते करते, या पूजा जिसकी भी की जाए, पूजा थाली लेके की जाती है, पूजा घंटी के साथ, घंटे के साथ की जाती है. तो जिस तरह से भी हो, फिल्म चलनी चाहिए, और अच्छी फिल्म चलनी चाहिए. मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू द एंटायर कास्ट. आप प्लीज यहाँ पे वेट कर सकते हैं. प्लीज. एंड नाउ, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम सब यहाँ पर इंटरनेशनल पूजा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो मैं आपको बताऊं कि उस पूजा में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है. पूजा को सिर्फ, पूजा आपको गाना सुनने का मूड हुआ और आपने यहाँ पर द डायनामिक डुओ मीट ब्रदर्स को यहाँ पर बुला लिया है. सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव मीट ब्रदर्स विथ अस. आइए कराता हूँ आप सबकी उनसे एक मुलाकात. प्लीज सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम. एंड मैं प्लीज कॉल अपॉन स्टेज द सिंगर्स ऑफ आर रोमांटिक ट्रैक एक मुलाकात, अल्तमस एंड पलक. प्लीज मैम, प्लीज सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द वंडरफुल म्यूजिक सर. डू यू वॉन्ट टू से समथिंग सर?
Good evening, everybody. Thank you so much for turning up in such lovely numbers. And this film is very special for us all. Because our director, Raj Babu, he showed us the picture before we became a picture. He's such a good director. He showed us what he wants. So, the songs have become our own, the picture. So, we're very happy. And today, the whole music team is here. For the first time after many years, you'll actually have all the singers come here and come and sing all of So. Thank you so much for having us and we're all ready to rock you guys. Yeah. And we are very, very thankful to Balaji also because the turning point in our career was Baby Doll, which came from Ekta's vision. So, that Baby Doll, which our career started, after that, Raj Bhai has told us today in this film, this is our first film, you want to tell us. This is our Meet Brothers' first film, which we did the whole film together. Because our film was Boss, which we started a trend, which we give a single song in every film. लेकिन दिस फिल्म इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और जो पूजा है वो भी इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट सो थैंक यू सो मच सो आवर सॉन्ग एक मुलाकात उसके सिंगर्स वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद देम प्लीज प्लीज सो प्लीज एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अल्तमश एंड पलक मुच्छाल कम ऑन लेट्स हैव यू हियर बेबी पलक चेक 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 इस माइक की वॉल्यूम थोड़ी हेलो चेक 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 हाय एवरीबॉडी सबसे पहले ड्रीम गर्ल की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड मैं अपने ब्रदर्स मीत ब्रदर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर मेकिंग मी सिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग रात सर आयुष्मान नुशरत एंड एवरीबॉडी आई विश कि ये फिल्म सुपर ऊपर हिट हो जाए थैंक यू सो मच इस गाने को ऑलरेडी सुपर हिट बनाने के लिए इतने सारे प्यार के साथ एंड अल्तमश भैया ऑफ कोर्स फॉर सिंगिंग इट सो ब्यूटीफुली थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पलक एंड थैंक यू सो मच भैया इतना ब्यूटीफुल ट्रैक आपने मुझे ये दिया है और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सॉन्ग है तो बस मैं यही दुआ करूँगा कि ये और बड़ा हिट होए और पूरी टीम थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल तो बस Let's start. सिंगर का काम गाने का है बात करने का exactly ओके सर मूविंग ऑन आयुष्मान सर फॉर यू लाइक हमने ट्रेलर में देखा है कि आप कभी सीता बन रहे थे कभी राधा बन रहे थे कभी रियल लाइफ में आपने नवरात्रों में कन्या बन के कहीं खाना खाया नहीं मैंने अच्छा वो नवरात्रों में वो जो अष्टमी या नवमी में नवरात्रों में कन्या कंज के बन के एक लड़का साथ में होता आपको चंडीगढ़ में तो होता है वो लड़का बन के खाया लड़की बन के नहीं खाया क्या बात कर हाँ हाँ और लाइक आप जब अपनी अपने जब शूटिंग ऑन थी अपनी लाइक तो आप फुल ऑन कैरेक्टर में थे पूजा बन के कभी ऐसा हुआ कि आप कस्टमर से बात कर रहे हो और आपको जोर से लगी और आप लेडीज वॉशरूम में घुस गए नहीं जिम में एक बार ऐसा किया था पर तब जिम खाली था तो इसलिए मैं झूठ बोल रहे आप गलती से घुस गया था फीमेल वॉशरूम में और ऑल बॉयज स्कूल ऑल बॉयज कॉलेज में था तो फिर फीमेल वॉशरूम वहां पे था ही नहीं तो ऑप्शन ही नहीं थी कोई लाइक हाउ इज इट लाइक आपका एक्सपीरियंस लाइक जब आप सीता बने थे नहीं नॉट गोइंग इनसाइड द वॉशरूम अच्छा फिर अभी मैं मूवी की बात कर रहा हूँ लाइक जब आप राधा बने थे सीता बने थे उसमें ज्यादा मजा था कि पूजा की आवाज में इन सब पुजारियों को फसाना मजा आता पूजा के बाद तो रेडियो के टाइम से प्रैंक कॉल्स वगैरह की हैं जब मैं रेडियो में काम करता था लवली दैट वाज गुड फन यहाँ शोर काफी आई थिंक हमें ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछने चाहिए exactly please audience se puchne chahiye audience do you have any question to ask anyone yes any question can we have mic this side you want to ask someone no I can ask Nushrat yeah like aapka dream boy ab dream girl aur almost puri hindustan ki dream girl ban chuka hai so iski baat is baat ki aapko fikr hoti hai chinta hoti hai kya hota hai ya chid machti hai मुझे फिक्र क्या होनी चाहिए मुझे एक बात की खुशी होनी चाहिए कि भले वो सबका ड्रीम गर्ल है बट उसकी लाइफ की ड्रीम गर्ल तो मैं ही हूँ क्या बात तो घर जो लड़का घर जिसके पास जाता है ना वो उसको पता होता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्या बात है अभिषेक भाई फॉर यू हाँ लाइक हमने ट्रेलर में देखा आपकी इतनी सुरीली आवाज है मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आप कौन सी गौशाला से आई मीन कौन से घराने से हैं जी हम मिडिल क्लास घराने से मिडिल क्लास घराने से सर हम आपको दिल से बोलते हैं हम बहुत माइंड करेंगे अगर आप कुछ भी सुनाएंगे तो हम खुराने से हैं घराने से तुम सही में मुझसे गाना गवाना चाहते हो सर आप अगर दो लाइन गुनगुनाएंगे आलाप तो मजा आ जाएगा सर अरे यार ये सर शुरू तो करिए आप तो फिल्म में जो गाना है वही गाऊंगा मैं अपनी पूजा के बिल्कुल बिल्कुल रेडी ओ
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. क्या बात है, इतना अमेजिंग, इतना अमेजिंग, क्या बात है भाई. हाथ मिलाओ यार इसी बात पे. एंड यकीन मानो मैं झूठ बोल रहा हूँ. चलो यस, नाउ आई विल कम टू निधि मैम. टू यू निधि दीदी. निधि दीदी बार बार मैम. निधि दीदी ठीक है, निधि दीदी. या सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रेलर में आपको पता है कि आपने मर्दों के ऊपर इतना ज्यादा हल्ला बोल रखा है. वृंदावन के बगल में निधि वन है, वहां पर एक वहां मर्दों ने जाना छोड़ दिया है आपके डर से. कुछ ऐसा क्या, ऐसा क्या आपके साथ दुर्घटना घट गई जिससे आप मर्दों से इतना चिढ़ती हैं? दुर्घटना क्या घटी उसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी. अच्छा, पर जो आप वन की बात कर रहे हो, निधि दीदी वन, वो वैसे रोमा वन है. रोमा निधि दीदी वन जो बना है. एग्जैक्टली. मैं आपसे बस ये पूछना था, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है रियल लाइफ में कि आप मर्दों से इतना चिढ़ रही है? नहीं नहीं यार, कुछ लोग बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लिखते हैं और उन्हें प्ले करने में मजा आता है. लवली. ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ हो. तो सो यू यू एंजॉयड लाइक प्लेइंग रोमा इन ड्रीम गर्ल? हाउ वाज एक्सपीरियंस? आई थिंक लोगों को देख के मजा आएगा रोमा को. एंड इट्स गुड टू बी जो पांच लवर हैं उनमें से एक होना, पूजा की एक प्रेमिका होना, मुझे तो डिफरेंट है. लवली. प्लीज आप जज मत करना. थैंक यू रोमा. थैंक यू निधि. कमिंग टू यू, मैं काट दूंगा भाई. जैसी उम्र है और हाइट है ना, केक काटा कर लोगों को. नहीं, हाइट वाइट का नहीं होता है, काटने के लिए चाहिए रहते हैं. क्या चाकू लो और काटो. काट दो. जिगरा चाहिए, जिगरा बड़ा होना चाहिए. ऐसा ऐसा क्या खास लगा पूजा की आवाज में जो तुझे इससे प्यार हो गया? फिल्म में तो मतलब वंस यू विल वॉच द फिल्म यू विल गेट टू नो व्हाई ही फॉल्स फॉर पूजा. एंड आई कैन हियर माई सेल्फ. अच्छा अच्छा सॉरी. तो फिल्म जब आप देखोगे आपको पता चलेगा कैसे ये हरियाणा का एकदम बिगड़ा हुआ अमीर औलाद और एकदम पीछे पड़ जाता है आयुष्मान के पीछे. एंड ये उसको लगता है कि वो पूजा है. एंड देन बाकी की चीज़ें पता चल. बट माई पर्सनल सजेशन, हाँ जी हाँ जी, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ. इसने एक ही लाइन बोली है, लग गई दिल में. मैं चाहता हूँ एक बार बोल दे जब वो जब आए तेरी याद दिल हाय क्या जाती नहीं हाय दिल को चुभ गई. आई लव इट मैन, सो कूल. कम ऑन गाइस, तालियां तो बजा दो यार. लाइव परफॉर्मेंस फ्री में हो रहा है, कम ऑन. वो चलिए भाई, वैसे जैसे आपकी उम्र है ना, आपको इन्फैचुएशन होना चाहिए पूजा से, प्यार नहीं. सो मूविंग ऑन. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. यस मैम. Yes, we'll do the photo. Yes, we'll do the photo first. मेरे से क्यों नहीं पूछा? मंजूत नहीं, दुश्मनी क्या है बता दो. दुश्मनी ऐसे कैसे हो सकती है? क्या मैंने क्या उखाड़ लिया? नहीं, आपने कुछ इतना ही उखाड़ा. आपने मूवी में जो खड़ा वो भी आपको पता चलेगा. आप मुझे एक बात बताओ, हमने ट्रेलर में देखा है कि आपने कहा है कि हाय लहंगे में भी कहर लगेगा तू. क्या आपने दो पैक लगा के इमेजिन कर लिया था? यार वो दोस्ती क्या है यार, जो सीधा सीधा तारीफ करे यार. कभी पंगे लेने पड़ते हैं. पूजा को फोन किया आपने? नहीं नहीं, मन करता है दो पैक लगा के कई बार. तब कैसे दोस्तों? तब सच्चे दोस्त नहीं रहे आप. मतलब मैं पूजा को फोन कर दूं? कभी किया होता छेड़ा? कभी आपने लियर लाइफ में कभी कुछ ऐसा किया है? नहीं यार, मैंने ऐसे नहीं किया. नहीं किया? मैं बहुत शरीफ खानदान से हूं, ऐसे नहीं हरकतें नहीं करता. खानदान से हम भी हैं यार. एनीवेज, मूविंग ऑन टू द फोटो थिंग. या यस, सो फर्स्ट वी हैव, सो मीडिया कैन हैव द फोटो ऑप्स. ओके, और एक बार वी विल स्टार्ट विद द होल क्रू ग्रुप. And slowly we'll get into finally Ayushmann Nusrat and Ayushmann Solos. Thank you.